माफ कर दीजिएगा खान जी, अभी बूढ़ा हो गया हूं ना, तो आपको उठाने बिठाने में काफी तकलीफ देता हूं। आपको किसी और खादिम के हवाले भी नहीं कर सकता, न जाने क्या सुलूक करे आपके साथ, वरना खादिमों की तो कमी नहीं है। जी जी खान जी, आप फिक्रमंद नहीं हो, जब तक रहीम गुल की जान में जान है आपकी खिदमत करता रहेगा, आप परेशान ना हो जाओ। वो छोटी मालकिन आ गई ना, आप उनके साथ गप करो, मैं आपके लिए चाय बेचता हूं। कुछ नहीं दादू, बस ऐसे उदास थी, सोचा आपके पास आ जाऊं, आपसे बात करती हूं तो बहुत सुकून मिलता है। एक तो आप हर बात पूछ लेते हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपा सकते, जैसे जैसे आबिद के आने के दिन करीब आ रहे हैं, मेरा दिल बैठा जा रहा है। आप अच्छी तरह से जानते हैं मेरी आबिद से जरा नहीं बनती, और अम्मा जाने को बिल्कुल परवाह नहीं इस बात की, कहती हैं आबिद को बिल्कुल कोई शिकायत ना हो, जैसे कि वो पता नहीं क्या। जी मैं जानती हूं आपको भी आबिद पसंद नहीं, क्या हो सकता है, इस घर में वही होता है जो अम्मा जानी चाहती है। काश के बाबा जिंदा होते, सब नहीं होने देते। सॉरी दादू, मैंने आपको फिर से परेशान कर दिया, आप फिक्र ना करें, मैं बच्ची नहीं हूं, बड़ी हो गई, सब संभालूंगी। और अगर आबिद ने मुझे जरा सा भी तंग किया ना, तो बिल्कुल सीधा कर दूंगी उसे। आपकी पोती किसकी? आप बाहर चलेंगे परिंदों के पास, अच्छा लगता है ना आपको? मैं नहीं चलती, चले।